नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरस में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, दैट इज PCB। PCB दैट मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। समटाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट राइटिंग बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट राइटिंग बोर्ड मतलब ये एक ऐसा सर्किट एक बोर्ड है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जनरल टेक्निक हर प्लेस पर PCB आजकल यूज़ होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम PCB के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी किसी सर्किट को PCB के थ्रू इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले हमें उस सर्किट का लेआउट इम्प्लीमेंट करना होता है। ये लेआउट को PCB के ऊपर क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है, या फिर हम कहें PCB के ऊपर इसे आर्ट वर्क के थ्रू डिज़ाइन करना होता है। देन हम इस PCB को ईच करते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईचिंग प्रोसेस क्या है? एक्चुअली PCB क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसके ऊपर कंडक्टिंग मटेरियल जस्ट लाइक कॉपर की एक बहुत ही थिन लेयर उसके ऊपर फॉर्म कर दी जाती है। इस लेयर के को पर हम बनाते हैं हमारा सर्किट। सर्किट हमारा लेआउट। इस लेआउट को बनाने के बाद इस लेआउट पर फिर से एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। देन रिमेनिंग प्लेस पर, यानी आपने जो सर्किट बनाया सिर्फ उसको क्या करा, हमने कवर कर दिया। रिमेनिंग प्लेस से के कॉपर को रिमूव कर दिया जाता है, ईच कर दिया जाता है, और इसके लिए यूज़ की जाती है ईचिंग प्रोसेस, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस। यानी केमिकल के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कॉपर को रिमूव कर देते हैं। देन अब जो सर्किट बचता है, यानी अब आपके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पर कॉपर के एक थिन लेयर, एक थिन पाथ इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। पतले पतले वायर, कंडक्टिंग वायर टाइप के इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, एज अ वायर वर्क करते हैं। अब इन पर्टिकुलर प्लेस पर अलग अलग पॉइंट पर ड्रिल की जाती है, और ड्रिल करने के बाद आप अपने कंपोनेंट को उसमें प्लेस कर देते हो। इसकी प्लेसिंग के बाद, प्रॉपर कंपोनेंट प्लेस करने के बाद, अब एक पूरा सर्किट क्या होता है, इम्प्लीमेंट हो पाता है। इसे ही कहा जाता है PCB। अब PCB जनरली सभी प्लेसेस पर यूज़ होती है। अब हम बात करें कि एक्चुअली हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सिंपल सा फैक्टर लें तो सिंपल सा मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा एक स्मॉल सर्किट है। स्मॉल सर्किट मतलब एक हमारे पास क्या है, बैटरी है। ये हमारी क्या हो गई, बैटरी B। और इस बैटरी के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, सिंपल सा एक LED ग्लो कराना चाहते हैं। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक LED का सिंबल बना देंगे। आई होप आप सभी को पता होगा LED का सिंबल, और अगर नहीं पता तो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ LED। ये क्या है, एक LED का सिंबल है। इस LED के साथ हम एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं। ये रजिस्टर क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का काम करेगा। मतलब इस LED से फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने किसका यूज़ कर लिया है, रजिस्टर का यूज़ किया। नाउ ये हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट। ये क्या है, एक कंप्लीट सर्किट है। जब हम इसे ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करेंगे, ब्रेडबोर्ड क्या है, एक तरह का इक्विपमेंट है जिस पर आप अपने सर्किट की टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि ब्रेडबोर्ड कैसा होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। पर हम जब इससे पूरा सर्किट को चेक कर लेंगे कि क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप का इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम या लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो लेआउट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेआउट के लिए इसमें जितने भी कंपोनेंट कनेक्ट है उन कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। तो हमें पता है बैटरी के दो टर्मिनल है, तो ये बैटरी को यहाँ से रिमूव करा, ये हो गई हमारी बैटरी। इन दो पॉइंट पर हम क्या कनेक्ट करेंगे, बैटरी को। नेक्स्ट हमारे दो टर्मिनल किसके होंगे, LED के। तो ये हमारे दो टर्मिनल किसके हो गए, LED के। अब LED को यहाँ से हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। ये हमारा क्या हो गया, LED रिमूव हुआ। सेम एज नेक्स्ट कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर को भी यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो ये हमारा रजिस्टर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। तो ये जो सर्किट बचा, ये क्या है, हमारा लेआउट, दैट इज़ अ पाथ फॉर कंडक्टिंग पर्टिकुलर सर्किट। ये हमारा क्या है,
पाथ है। अब इस पाथ को हमें क्या करना होता है, पीसीबी पर बिल्ड करना होता है। तो पीसीबी पर बिल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को या तो बाय हैंड पीसीबी पर ड्रॉ कर दें या फिर इसको फोटो प्रिंट लेकर उसे पीसीबी पर प्रिंट कर दें। मान लीजिए कि हमने इस पूरे सर्किट को एक पीसीबी पर बिल्ड कर दिया। मान लीजिए ये जो हमारा येलो एरिया है ये क्या है, हमारी पीसीबी। इस पीसीबी के ऊपर हमने एक का पर्टिकुलर सर्किट का क्या है ड्रॉ किया, एक लेआउट को ड्रॉ किया। अब इस लेआउट को हम क्या करते हैं, एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से हम इसे कोट करते हैं। जनरली अगर आपका जो परमानेंट मार्कर है उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इस पर लाइनिंग बिल्ड कर सकते हो। देन इसे क्या करेंगे, आप कोट कर देंगे। ये हमने ब्लू कलर के चौक से इसे क्या किया है, अभी सर्किट में कोट कर दिया। इस कोटिंग के बाद ये हमने क्या किया, इस पूरे लेआउट को कोट कर दिया। अब इस कोटिंग के बाद हम क्या करते हैं, इस पूरी पीसीबी को केमिकल लिक्विड में डिप कर देते हैं और कुछ टाइम तक उसे क्या रहने देते हैं, उस पर डिप रहने देते हैं। प्रीवियस टाइम पर मतलब पास्ट टाइम में इसके लिए कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम लगता था, बट एट प्रेजेंट ये कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम ले सकती है। नाउ इसके बाद इससे जब इसे हम पर्टिकुलर केमिकल से बाहर निकालेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा येलो पार्ट है यहाँ पर जो भी कॉपर होगा वो रिमूव हो जाएगा, सिर्फ कॉपर इस ब्लू लाइन पर ही कॉपर बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लू लाइन के पॉइंट पर, ये जो ब्लू लाइन है इस पर इसके हर एक एंड पर क्या कर देंगे, ड्रिल करेंगे। ये ड्रिल जो होगा, यहाँ ड्रिल करने के बाद यहाँ पर हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, यहाँ डायोड कनेक्ट करेंगे, दैट मीन्स LED कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। देन जैसे ही बैटरी को अप्लाई करते हैं तो LED क्या होने लगेगी, ग्लो होने लगेगी। सो ये क्या है, ये हमारा PCB। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ PCB। PCB जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसका ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, देयर मटेरियल, देयर नंबर ऑफ लेयर्स एज वेल एज देयर फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रिड, इस पर बेस्ड होता है। मतलब इन सब के बेसिस पर पीसीबी को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीसीबी दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। नंबर ऑफ लेयर मतलब कि आपके पीसीबी पर कंडक्टिंग मटेरियल की कितनी लेयर्स हैं। जनरली हमने हमारे जो घरों में नॉर्मल आसपास जो सिंपल से सर्किट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल लेयर पीसीबी पर होते हैं। सिंगल लेयर पीसीबी मतलब ऐसी पीसीबी जिसकी सर्किट बोर्ड या बेस मटेरियल के ऊपर या एक ही साइड पर क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल होता है, या फिर ऐसा सर्किट जिस पर सिर्फ एक ही साइड हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, सिंगल लेयर पीसीबी। पर समटाइम्स बेस मटेरियल के, जो बेस मटेरियल होगा उसके अपर एंड लोअर दोनों साइड पर क्या होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होती है या कॉपर फॉइल होती है, जिसके कारण क्या होता है, इस टाइप के एक सिंगल पीसीबी पर फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर क्या किया जा सकता है, कंपोनेंट कनेक्ट किए जा सकते हैं। यानी एक सिंगल पीसीबी पर दो अलग अलग सर्किटरी ऑपरेट हो सकती हैं। इस टाइप के पीसीबी को क्या कहा जाता है, ड्यूअल लेयर पीसीबी। ना अब अगर हम एक सिंगल पीसीबी पर मल्टीपल लेयर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं कंडक्टिंग मटेरियल की, तो इसे कहेंगे हम मल्टी लेयर पीसीबी। जनरली एट प्रेजेंट जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड हैं उनमें जो पीसीबी यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मल्टी लेयर पीसीबी होती हैं। प्रेजेंट टेक्निक के अकॉर्डिंग अभी जो टेक्निक यूज़ हो रही है इसमें एक सिंगल पीसीबी पर 32 लेयर्स इम्प्लीमेंट की जा सकती है। एक मल्टी लेयर पीसीबी का एग्जांपल आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ पीसीबी क्लासिफिकेशन दैट इज टाइप ऑफ बेस मटेरियल। बेस मटेरियल इन द सेंस कि जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे इसका पीसीबी का बेस इम्प्लीमेंट किया गया है, वो मटेरियल का नेचर कैसा है, उस बेसिस पर भी पीसीबी क्या होती हैं, क्लासिफाई की जाती हैं। जनरली इसमें नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है पीसीबी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसमें फाइबर ग्लास का यूज़ किया जा सकता है, पॉलीमाइड है, टेफ्लॉन है, रेनफोर्स्ड टेफ्लॉन, इस टाइप के बहुत से नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप पीसीबी इज कंडक्टर टाइप पीसीबी।
हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, प्रीवियस टू जो है ये क्या है, नंबर ऑफ लेयर, मतलब एक पीसीबी में कितनी लेयर्स हो सकती हैं। सेकंड इज ऑन द बेस मटेरियल, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल क्या है। नाउ थर्ड वन इज कंडक्टर टाइप, मतलब जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर कंडक्टिंग मटेरियल की जो कोटिंग होगी उस कोटिंग की थिकनेस कितनी है, इस पर हम कंडक्टिंग पाथ कितने थिक, कितने थिन और थिक बना सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट टाइप, दैट इज कंडक्टर टाइप। जनरली जो कॉपर फॉइल होती है उसे उसकी जो कोटिंग है उसकी थिकनेस जो होती है वो 0.0014 इंच से 0.0042 इंच तक की उसकी थिकनेस हो सकती है। मतलब जो आपका कॉपर फॉइल की जो लेयर है उस लेयर की थिकनेस कितनी है, इतनी हो सकती है। एज वेल एज अगर इन पीसीबी में हम कंडक्टिंग पाथ, जो पाथ है उसकी विड्थ डिसाइड करें तो उसकी विड्थ को भी हम मिनिमम रख सकते हैं। कंडक्टर पाथ की जो हमने बात की दैट इज 0.005 इंच टू 0.010 इंच और इट मे बी 0.02 इंच और 0.03 इंच तक क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू हो सकती है, इस पाथ की वैल्यू हो सकती है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन करते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ पीसीबी दैट इज रिगिड, द लास्ट टाइप इज रिगिडिटी, दैट मीन्स पर्टिकुलर पीसीबी कितनी सॉलिड है और फ्लेक्सिबल है, ये कौन डिसाइड करता है, रिगिडिटी। रिगिडिटी मीन्स सिंपली हार्डनेस, सिंपल सा आपके घरों में या आपके जो टीवी पर और आपके जो मोबाइल में, इनमें जो पीसीबी यूज़ होती है क्या होती है, हार्ड होती है। इसको आप क्या मूव कर सकते हो, अगर आप इसे मूव करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। पर आपने बहुत से ऐसे मोबाइल्स के एट प्रेजेंट ऐसे मोबाइल या ऐसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखे होंगे जिनमें क्या होती हैं कि जिसे आप रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर पीसीबी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने के केस में वहाँ उस सिचुएशन में सर्किट ब्रेक नहीं होता। इस टाइप के जो पीसीबी होती हैं उन्हें फ्लेक्सिबल पीसीबी कहा जाता है। बहुत से ऐसे मोबाइल इम्प्लीमेंट में भी हो रहे हैं एज वेल एज कुछ डिज़ाइन हो चुके हैं जिनमें आपका मोबाइल को आप एक पर्टिकुलर लेवल तक फ्लेक्सिबल मूव करा सकते हो, मोड़ सकते हो। दैट मीन्स कि वहाँ पर आप किस टाइप के पीसीबी का यूज़ करो, फ्लेक्सिबल पीसीबी का। तो ये हमारे पीसीबी के टाइप हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ लेयर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, बेसिस ऑफ बेस मटेरियल, बेसिस ऑफ कंडक्टर एंड बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिग्रेटी। सो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।